हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे हम सिखा सकते हैं बच्चों को ए और एन का यूज करना बड़ी ही आसानी से। देखिए, कई लोग मुझे कहते हैं कि ये तो बहुत आसान है। जब बच्चे को हम सिखा लेते हैं कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या है, तो उससे हम सिखा देते हैं ए और एन का यूज करना। पर हर बार ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। कई जगह ऐसे भी होती है जहाँ पर ना तो हम ए का यूज कर सकते हैं और ना एन का यूज कर सकते हैं। तो मैं वही आज आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहला रूल जो होता है वो वही होता है वॉवल्स का, ए ई आई ओ एंड यू। ये होते हैं हमारे फाइव वॉवल्स, ए ई आई ओ एंड यू। ये होते हैं वॉवल्स, होते हैं हमारे फाइव वॉवल्स, और जो बाकी बचे वो सारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। मतलब हमारे अल्फाबेट्स में फाइव वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो भी वर्ड जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका हम फर्स्ट लेटर चेक करेंगे। अगर ये एक वॉवल है तो हम इसके आगे लिखेंगे एन, और अगर ये एक कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे हम लिखेंगे ए। ये बहुत सिंपल रूल है बच्चे को समझाने के लिए। जैसे कि मैंने अभी बताया, वॉवल्स हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू। तो जब भी आप बच्चे को इस तरीके से बना के दे, उसे सबसे पहले वॉवल्स लिखने के लिए बोलिए ए ई आई ओ यू। अब जब वो लिख लेगा तो हम उसको बताएंगे कि फर्स्ट लेटर चेक करने के लिए, इसमें फर्स्ट लेटर है पी, क्योंकि ये वॉवल नहीं है तो इसके आगे आएगा ए। इसी तरीके से सेकंड मैंने लिखा है टेबल, इसके आगे फर्स्ट लेटर है टी, ये भी वॉवल नहीं है तो इसके आगे आएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं एप्पल, एप्पल का फर्स्ट जो लेटर है वो है ए, ए होता है हमारा वॉवल, तो इसके लिए हम लगाएंगे एन। देखिए, कभी भी बच्चे को एन मत बोलिए, क्योंकि वो एन और एन इन दोनों में कंफ्यूज हो सकता है। तो जब भी आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो इसे बोलेंगे एन, ए की भी साउंड से आनी चाहिए और एन की भी साउंड आनी चाहिए, एन। इसी तरीके से इसमें हम देख लेते हैं इंक पॉट में, एन इंक पॉट, इस तरीके से बच्चे को बताएंगे। लास्ट लिखा है मैंने बॉक्स, तो इसका कैप फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है बॉक्स, इसका फर्स्ट लेटर होता है बी, तो इसके आगे हम लिखेंगे ए। ये तो था फर्स्ट रूल जो मैंने आपको बताया, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स चेक करके हम कैसे बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट रूल जो होता है, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि कहाँ ए का और एन का यूज़ नहीं होगा। देखिए, नो यूज़ ऑफ ए एंड एन। इस चीज़ के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो हम प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन होती है किसी का नाम या कहीं किसी जगह का नाम, जैसे राम सीता, दिल्ली पटना, इस तरीके से कुछ भी होगा तो उसके साथ ना हम ए का यूज़ करेंगे और ना ही हम एन का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, दिस इज़ राम, दिस इज़ सीता। मतलब जहाँ भी प्रॉपर नाउन आएगा, जैसे यहाँ राम सीता लिखा है, इसके आगे ना तो ए का यूज होगा और ना ही एन का यूज होगा। इसी तरीके से जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके साथ भी हम ना तो ए का यूज करते हैं और ना ही एन का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल ले लीजिए, मिल्क, शुगर, आयरन, आयरन मतलब लोहा, या गोल्ड जिसे हम नाप नहीं सकते, उसके सामने भी हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस इज मिल्क, दिस इज आयरन, दिस इज शुगर, इसी तरीके से दिस इज गोल्ड। तो जिसके आगे ए और एन का यूज़ नहीं करना है, हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हमने ए और एन का यूज़ करना है और कहाँ हमने ए और एन का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।